खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। भागलपुर के मायागंज में मॉब लिंचिंग पीड़ित ने तोड़ा दम। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ले में पड़ोसियों के द्वारा मॉब लिंचिंग का शिकार युवक ने इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि रामसर निवासी युवक प्रमोद मंडल से छठ पर्व के नहाए खाए के देर शाम उसके पड़ोसी ने आपसी रंजिश के कारण बहस हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे पड़ोसियों के द्वारा प्रमोद की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसके बाद प्रमोद को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी और मां ने ततारपुर थाने में 15 से 20 पड़ोसियों के द्वारा प्रमोद को पीट पीट कर हत्या कर किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना क्या घटी है जी? क्या घटना घटी है? आ रहे थे काम करके, उधर से ये लोग गलत बात किया। कौन आ रहे थे काम करके? मेरा भाई छोटा भाला। क्या नाम है उसका? प्रदीप। क्या है पूरा घटना बता। घटना यही कि उधर से चल के आ रहा था और मेहतर लोग खड़ा था यहाँ पे, आपके जाकर के यहाँ पे मोर्चा के पास खड़ा था, मोर्चा के पास खड़ा था, उधर से आ रहा था, ये लोग गलत बात गाली गुप्ता किया, गलत बात करके मेरा भाई उधर से इधर आया, वो लोग जो है डंडा लाठी निकाल के मारने के लिए चला आया, तो हम आए इसमें बीच में छुड़ाने के लिए, तो हमसे भी मारपीट हो गया। फिर मारपीट हुआ और आपका उसी में जो है इसको जो है सवेरे तक में जो है इसको पैर हाथ फूल गया, फिर सुइया दवाई किए तो देखते हैं कि मुँह कान तीरे लगा। ये कब की घटना है? तो अभी 7 बजे का घटना है। नहीं, ये घटना कब की है जी? मारपीट कब? कल इतने बजे, 7-8 बजे हुआ है। ये घटना कब हुई है? 7 बजे। 7 बजे कब? किस दिन घटना? शाम में। मारपीट किस दिन हुई? मारपीट कल हुआ। कल कौन दिन था? कद्दू भात के दिन। कल शनिवार था। कल कब बोल रहे हैं? कल कौन दिन था? शनिवार। कल बोले तो कल घटना हुआ। कल की घटना है जी? कल की। जब कद्दू भात बोल रहा है जी? कद्दू भात से कोई लेना देना नहीं, कल हुआ है घटना। कल हुई है घटना जी। तो इसको लेकर के प्रशासन पुलिस नजदीकी जो थाना गए थे क्या? अभी तो गए थाना तो बोला कि एप्लीकेशन लिख के देना होगा तेजारपुर थाना में। कल क्यों नहीं गए जब घटना कल की है तो? कल नहीं गए हम, देखे मीटर क्लोज हो गया, फिर अभी हमको क्या पता कि ऐसा हो जाएगा, अभी देखे तो पैर में जख्म हो गया है, तो फिर हम क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? एप्लीकेशन लिख के देंगे थाना। अब आगे कानूनी प्रक्रिया बोलो, जो आगे कानूनी केस करेंगे और क्या। कहीं किसी अधिकारी से बात हुई इसको लेकर? थाना गए कि तारपुर थाना, बोला एप्लीकेशन लिख के दो, केस होगा। क्या घटना क्या है? घटना यही है क्या, प्रदीप जो है 2 दिन पहले जो है काम करके उधर से आ रहा था, 2-4 लड़के जो है यहाँ पर हरिजन जो है खड़े थे, उससे कुछ बातावती या किसी तरह का कमेंट्स किया, जिसके कारण जो है दोनों में बातावती हुआ। उसके बाद मालूम हुआ 10-15 मिनट के बाद हथुआ हथियार के साथ वो लोग जो घर पे आके इनके माँ बाप को भी मारा, यहाँ पे घर पे भी झगड़ा झंझट करके गया, और उसके बाद उनको जो मारा गया है, प्रदीप कुमार जो मृतक है उनको जो मारा गया है, उनके बारे में हम लोग को भी नहीं मालूम था कि इतना गहरा चोट लगा है, तो हम लोग नज़दीकी डॉक्टर जो था उनके पास गए, इलाज करवाए, लेकिन अचानक जो ऐसा घटना हो गया जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया। किसी थाना को कब की? 2 दिन पहले की घटना बता रहे हो? ये कल बोले तो कल शाम का ही है घटना, ये है कल शाम का ही। थाना उन्होंने ना, तो हम लोग सोचे क्या अंदरून कुछ छोटा मोटा होगा चोट जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मालूम हुआ कि ऐसा गहरा चोट हो गया, अचानक घटना हो गया, जिनके कारण हम लोग जो अभी थाना जाना पड़ा, जिसके कारण थाना पे क्या बोला? थाना पे बोला कि आप जो है यहाँ से मायागंज आइए, वहाँ से NSC पेपर लेके आइएगा, तो इनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो है फिर केस लिया जाएगा। किसी अधिकारी से भी बात की है? नहीं, अभी तो अधिकारी से किसी तरह का कोई गप नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ मायागंज जो गए थे बरारी थाना प्रभारी से गप हुआ था। अभी किन से बात की है? अभी तो SP साहब से बात किए हैं, SP साहब बोले क्या ठीक है, हम थाना पे फ़ोन करके जो है भेज रहे हैं, ऐसा बात है, तो हम अभी बगावत करके जो है भेज रहे हैं गाड़ी। क्या करना आगे, क्या करोगे?
आगे तो यही करेंगे सर। अब जो मरने वाला था मृतक मर गया, ठीक है, अब इनका जो पोस्टमार्टम जो भी रिपोर्ट जो भी होगा और कार्रवाई करके जो है इनके पीछे जिसका जिसका हाथ है उनको जो है सजा दिलवाना, क्योंकि इनके लिए जो है दोस्तों छोटा छोटा बच्चा है उसका भी परवरिश के लिए जो है दिक्कत है, इसलिए इसके पीछे जो भी है। मृतक कौन है? मृतक जो है हमारा बनोए लगता। क्या करता था? ये कंप्यूटर दुकान में जॉब करते थे। किन से लड़ाई पिटवा था? अच्छा, पता नहीं था। हम आए यहाँ तो हम अचानक उसका तबीयत बिगड़ रहा था तो हमको फोन किया, हमको बोला तुम आना, तुम मतलब मेरा तबीयत ज्यादा खराब लग रहा है तो हम आए, तेलून लगाए कमर में, जब मतलब उसका नीचे हाथ पकड़ा है ना तो उसका मतलब हेड्रोसिन में उसका मतलब मारा जो है ना उसमें बहुत ज्यादा एकदम चोट आया, एकदम कड़ा हो गया है। इसके वजह से पूरा जांग से लेकर पूरा शरीर से उसका एकदम पूरा एकदम ठीक हो गया है। मतलब क्या चीज़ है? कोई डंडा उंडा से मारा था? नहीं देखे, ये चीज़ हम नहीं देखे, पूरा था। अच्छा, ये मामला कब का है? जो ये कद्दूवत का दिन का, कद्दूवत के दिन। और एक्सपायर कब की है? आज सवेरे हुआ था। डॉक्टर को इसके पहले डॉक्टर को नहीं दिखाते? नहीं, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था घर में, हम लोग करवा रहे थे तो हम लोग अंदरूनी बात नहीं ना बताया, बस बोला जांग में दर्द हो रहा है, बस अंदर का बात हम लोग को नहीं बताया, छुपा के रखा था। अच्छा, उनका नाम क्या था? नाम प्रदीप मंडल था। पिताजी का? पिता का स्वर्गीय राजेंद्र मंडल। आप उनके कौन हुए? हम उनकी वाइफ हुए, दो बच्चे हैं उनका। आखिर में मारा किस लिए? कुछ तो वजह होगा। ये खबर आपने प्रशासन को दी थी? ये जो मारपीट हुआ था तो पुलिस चौकी में जाकर के आपने FIR दर्ज करवाया था? नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।